हंस गए रे ओबामा और जॉली एलएलबी जैसी अच्छी फिल्म बनाने वाले लेखक और निर्देशक सुभाष कपूर गुड्डू रंगीला में अपने लेवल से फिसलकर नीचे आ गए हैं। कमर्शियल फॉर्मेट में सुभाष ने फिल्म बनाई है, लेकिन न वे दर्शकों का मनोरंजन कर पाए और न ही खाप पंचायत वाले मुद्दे को ठीक से उभार पाए। कहानी है गुड्डू और रंगीला की, जो ममेरे भाई हैं। हरियाणा के गाँव में गाने गाकर वे लोगों का दिल बहलाते हैं। गुड्डू रंगीला और पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत। मुझे ईमेल आया है। इसी बहाने वे यह भी पता लगा लेते हैं कि लोगों के घरों में कितना माल है। इसकी जानकारी वे डकैतों को देते हैं और यह भी उनके पैसे कमाने का एक जरिया है। गुड्डू और रंगीला की यह हरकत पुलिस को पता चल जाती है। कमाल कर गया यार ये तो। दिकड़ंबाजी में की है दोनों ने बेदाजी था। थानेदार 10 लाख रुपए मांगता है। बस गा बजा के गुजारा कर लेते हैं। गाते कम हो तुम दोनों, बजाते ज्यादा हो। इसी बीच उन्हें बेबी नामक एक लड़की को चंडीगढ़ से उठाकर दिल्ली ले जाने का काम मिलता है। 10 लाख रुपए में सौदा तय होता है। बेबी एक शक्तिशाली नेता और गुंडे बिल्लू की साली है। अगर दोनों की लाश आड़े पेड़ पर लटकी नहीं पाई तो बिल्लू एक बाप की औलाद नहीं। बिल्लू से रंगीला का भी कनेक्शन है। कुछ वर्ष पूर्व रंगीला की पत्नी की हत्या बिल्लू ने कर दी थी, क्योंकि उसने गैर समाज के लड़के से विवाह किया था। बेबी के बहाने रंगीला को बिल्लू से बदला लेने का मौका मिल जाता है। इसके बाद कई उतार चढ़ाव कहानी में देखने को मिलते हैं। राइटिंग और डायरेक्शन का डिपार्टमेंट सुभाष कपूर ने संभाला है। फिल्म की कहानी में कोई नई बात नहीं है, कुछ टर्न एंड ट्विस्ट के साथ यह एक रिवेंज ड्रामा है। गड़बड़ी स्क्रीन प्ले में है, न इसमें मनोरंजन है और न ही लॉजिक। फिल्म देखते समय कई प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकते हैं। स्क्रिप्ट में मनोरंजन का भी अभाव है। हंसाने के लिए कुछ चुटकुले हैं, जिन पर हंसी कम खींच ज्यादा आती है। हम क्यों नहीं बन सकते गैंगस्टर? साले पिछवाड़े पे इतनी गोलियां पड़ेगी ना, रोटी भी पेट के बल लेट के खानी पड़ेगी। रोमांस की फिल्म में कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बेबी और गुड्डू का रोमांस फिट करने की असफल कोशिश की गई है। बिना सिचुएशन के गाने रखे गए हैं। फिल्म का पहला आधा घंटा बोरियत से भरा है, फिर फिल्म चौंकाती है और उत्सुकता पैदा होती है, लेकिन इस उम्मीद को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इंटरवल के बाद तो फिल्म में रुचि ही खत्म हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स किसी बी ग्रेड की एक्शन मूवी की तरह है। सुभाष कपूर निर्देशक के रूप में प्रभावित नहीं करते। फिल्म के कैरेक्टर रियल लगते हैं और हरकतें लार्जर देन लाइफ वाली करते हैं। यह तालमेल गड़बड़ा गया है। जिस अभिनेता अरशद वारसी को हम जानते हैं, वो इस फिल्म में नजर नहीं आया। अमित सद निराश करते हैं। आदित्य राव हैदरी को जो रोल मिला है, उसमें वे फिट नहीं बैठती। रोनित रॉय को सबसे ज्यादा फुटेज मिले हैं और उनका अभिनय अच्छा है। कुल मिलाकर गुड्डू रंगीला रंग नहीं जमा पाई। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।